नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। खत्री आज तक 24 न्यूज जिले के गोगावा थाने के शाहपुरा में एक होटल में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तीन युवकों ने पहले होटल देवश्री में जमकर तोड़फोड़ की, फिर डंडे से होटल कर्मचारी के साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद होटल के वेटर द्वारा रुपए मांगने पर तीन युवकों ने तोड़फोड़ और फिर डंडे से मारपीट की। वीडियो वायरल होने और होटल के कर्मचारियों की शिकायत पर गोगावा पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मारपीट करने वाले तीनों आरोपियों ऋतिक, सतीश और करण को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि शाहपुरा स्थित देवश्री होटल में 14 अगस्त की रात्रि में घटना हुई थी। एएसपी तरुणेंद्र सिंह बघेल ने मीडिया को बताया मारपीट और होटल में तोड़फोड़ करने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों पर शांति भंग करने को लेकर धारा 151 के तहत भी कार्यवाही की जा रही है। इधर होटल के कर्मचारी मुकेश बडोले ने बताया, होटल में खाना खाने के बाद बिल मांगने पर आरोपियों ने होटल में जमकर तोड़फोड़ कर मारपीट की। 22-01 तरुणेंद्र सिंह बघेल, एएसपी खरगोन। 22-02 मुकेश बडोले, होटल कर्मचारी, देवश्री होटल शाहपुरा गोगावा। कारण इनसे ये मतलब बिल नहीं देने के कारण से मतलब दादागिरी फूल गुंडा कर दी। क्या चीज से मारा? वो लोहे के पाइप और बांस के पाइप ब्लड खाने के दौरान सर सतीश और करण और ऋतिक नाम के व्यक्ति है ने मारपीट स्टार्ट की है, मारने की कोशिश की है। कहाँ का मामला है? ये है गोगावा का है, शाहपुरा। कहाँ पर मारा? होटल देवश्री पे। क्या कारण क्या रहा? कारण बिल नहीं देने के कारण, बिल नहीं दे रहे थे उस कारण और दादागिरी बता इस कारण मारपीट करी है और उसका इन लोगों ने मारा। हाँ, गुंडा कर दी और धमकी उन भी मारने की दे रहे के बाहर। क्या नाम है? मेरा नाम है विनोद बड़ोले, मैं सुल्तानपुरा से। तीन आरोपी ऋतिक, सतीश और करण गए वहाँ खाना वाना खाए और उसका बिल नहीं दिए। तो जब वहाँ पर काम करने वाला विनोद ने पूछा कि आप पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उसके साथ मारपीट किए और मारपीट करने पर से बीएनएस की धारा 296, 115, 351, 324 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों आरोपियों को 151 में एसडीएम न्यायालय पेश किया जा रहा है और चालान प्रकरण का चालान पृथक से न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।